योजनाओं से क्या मिलेगा किसान को, MSP दो। पहला इनका जो अध्यादेश है उसके अंदर क्या होगा, इन्होंने खुली छूट दे दी। किसको दे दी? व्यापारी को, छोटे को, बाहर की कंपनी को या अंदर की कंपनी को? उससे सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसको निजीकरण में ले जाने की कोशिश है। सिर्फ ये सेक्टर बचा हुआ था देश का कि इसमें निवेश कैसे हो। किसान चाहे मरो लेकिन विदेशी कंपनियां और हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति इसमें घुसाए जा रहे हैं और किसान बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन MSP शब्द को इन्होंने छुआ ही नहीं। जैसे सब्सिडीज दे रही है सरकार, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें फसल का रेट चाहिए। हमें कर्ज की बात करिए, कर्ज नहीं चाहिए, फसल का रेट दे दो। हमें कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ेगी? सरकार की जरूरत नहीं है, हमें हमारी फसलों के रेट दे दो। हम खुद इतने समर्थ हैं, देश को हम और भी ज्यादा बढ़ देंगे, समर्थ बना देंगे। पूरा चीन का युद्ध लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, सारी मीडिया वहाँ से थोड़ी फुर्सत मिली, हॉस्पिटल जिसमें अमिताभ बच्चन थे, नानावटी उधर जा खड़े हुए, उधर से ये विकास दुबे पर आ गए, विकास दुबे से ये वापस फिर इसमें सचिन पायलट के वहां चले गए। किसान की देश के अंदरूनी हालात इतने खराब हो रहे हैं साहब, अब आर पार के बगैर कोई समाधान नहीं है सरकार। के लागत किसान की डबल हो गई है और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। आज बेचारा बिहार का किसान अपने यहाँ कुछ 1750-1700 के आसपास इसका मक्का का MSP रखा हुआ है, वहाँ पर 600-700 से ऊपर नहीं बिका है साहब, आप तसल्ली करके देख लो। धान वहाँ पर 1200 से ऊपर नहीं बिका है, आप तसल्ली करके देख लो। वन नेशन वन मार्केट, मैं मेरे तोसाम का 5 किलोमीटर है, मैं मेरे वन नेशन वन मार्केट का मैं करूंगा क्या? मैं आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी के एक दाना नहीं लेके गया हूँ किसी चीज का। उस मार्केट में कर्नाटक कैसे लेके जाऊंगा, मैं हैदराबाद कैसे लेके जाऊंगा, मैं पटना कैसे लेके जाऊंगा जिसका किराया इतना पड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द को छुआ ही नहीं, तो इसका मतलब किसान की बर्बादी के सिवाय इन अध्यादेशों में कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये देश खड़ा हुआ था, ये ढांचा खड़ा हुआ था, मंडियों का ढांचा। आज देश में कितने करोड़ों आदमी है जो मंडियों में रोजगार कर रहे हैं, कितना किसान का पैसा लग करके कितने बड़े बड़े शेड खड़े हुए थे। किसान भाइयों, वीडियो को आगे तक पूरा देखिए और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। 4 लाख करोड़ रुपया ऋण किसानों के पास है। पिछले दिनों आपको ध्यान होएगा कि हम लोग अभी पिछले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 31 मार्च की जगह ब्याज सब्सिडी की डेट को 31 अगस्त किया गया। अभी पिछले दिनों जब पैकेज की घोषणा हुई तो कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि से जो संबंधित काम हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, हर्बल खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, इन सब के लिए भी प्रावधान किया गया और इसका निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती के क्षेत्र को फायदा होने वाला है। अभी अल्पावधि ऋण कृषकों के पास 8 लाख करोड़ का है, यह आने वाले वर्ष में 15 लाख करोड़ होएगा, इस बात का भी प्रबंध किया गया है। नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष निवेश करता था, लेकिन कोविड संकट को देखते हुए इस बार वह 30,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगा, यह भी सरकार ने सुनिश्चित किया। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को माना जाए, ये मांग लंबे समय तक किसानों की रही। साथियों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर